नेक्स्ट, फ्रिज का जितने भी सामान है उसको बैन करो, बंद करो एकदम, खाना कोल्ड ड्रिंक हो जो भी हो इसको बंद कर दो। नेक्स्ट, अब जितने भी फास्ट फूड खाते हैं उसको बंद कर दो। आप शरीर बिल्कुल फिट, इतना चीज यदि आप कर ले रहे हैं तो बोलेगा सन क्या कि सर चीनी नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या, उसके जगह पर मीठा यूज करो, गुड़ जिसको कहते हैं, खजूर का आजकल गुड़ आता है उसका सेवन करो, चीनी रेती का आता है, ईख का आता है उसका सेवन करो। आप कहेगा कि सर नमक नहीं खाए तो क्या खाए, उसके जगह पर सेरा नमक यूज करो, समझ में आ रहा है? यस सर। सेरा नमक जो समझता है ना? यस सर। तो वो नमक यूज करो। नेक्स्ट, इसके बाद में क्या है? मैदा। मैदा हम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें चोकर का पूरा खत्म हो जाता है, और जिस चीज में आपका पतला होगा चोकर खत्म होगा वो चीज डाइजेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम करती है। बड़ी आंख हम लोगों के शरीर में है और छोटी आंख है, सबको मालूम होगा बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो वो आंख में हम लोगों की जो जब वो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जाके चिपक जाता है, जैसे पाइप देखे हो घर में लगा रहता है, आजकल हर समरसेबुल घर में हो रहा है, पाइप में देखता होगा कि कैंटी बैठ जाता है, देखा है कभी? जी सर। तो क्यों? पानी तो पास करता ही है लेकिन वहाँ पे बैठ जाता है। वैसे ही क्या होता है, हम लोग जब मैदा का सेवन करते हैं तो जाके पेट में जाके आँख में जाके चिपक जाता है, जिसके कारण हमेशा आपके पास गैस का पेशेंट बने रहिएगा, कहीं वो गैस आपका नहीं छोड़ेगा, दवा खाइएगा कुछ समय के लिए उसके बाद में फिर वही आना। तो आपको खाना को सही से जाने बाद जो नली है हम लोगों को वो यहाँ पे कुछ जमा लेंगे तो वो तो पतली नली हो जाएगी, और कोई भी खाद्य पदार्थ को हम खाएंगे तो क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगी, शायद जाने में दिक्कत करेगी, जिसके कारण आपका शरीर को धीरे 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 कर करके वो क्या करेगी, और बीमारियों तक डील कर देगी। तो ऐसे कार्य को नहीं करने, पानी भरपूर मात्रा में लेंगे, ऐसा नहीं कि अति सरोवृष्टि, मतलब अति भी पानी को नहीं कर देना, अर्थात कहने का मतलब है यदि हम पानी 10 लीटर 12 लीटर जब पीने लगते हैं तो हमारा जो किडनी जो है उस फिल्टर करने में असक्षम होता है, जिसके कारण क्या होता है, किडनी डैमेज हो सकता है। इसलिए पानी हम लोग लिमिट में भी पिएंगे, कहने का मतलब 6 लीटर पिएंगे, ठीक है, 5 से 6 लीटर पानी पियो, 4-5 लीटर आराम से पियो, 5 लीटर तो सहूत नहीं होगा, 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आप बोलोगे कि सर एक बार अंदाज बता दीजिए कि पानी हम कितना पियेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो आप लोग पानी उतना ही पीजिए जब यूरिन आप लोगों का पीलापन ना हो, ठीक है, वो आप फिट है, क्योंकि आप लोग पानी कम पीजिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और खासकर गर्मी का दिन आ गया, यदि गर्मी के दिन में हम लोग पानी का सेवन कम करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद में उल्टी जैसा मन, दस्त जैसा मन, पैर में दर्द, अनेक प्रकार की मानसिकता तनाव, सिर में दर्द, शरीर का भारीपन, ये सब अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, इसलिए हम लोगों को पानी को अच्छी मात्रा में पीना है, और ऐसा पीना है कि आपका डिहाइड्रेशन न हो। कोई बच्चा है जैसे कहने का मतलब है कि दौड़ रहा है और हंपनी ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, लाख कोशिश कर रहा है लेकिन हंपनी नहीं हो रहा है, तो हंपनी होने का सबसे पहले आपका एक कारण होता है कि जब आप नए हैं, नए आएंगे दौड़ेंगे तो हंपनी स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि जो आपके अंदर जो फेफड़े जो होती है, जैसे आप लोग गुब्बारा देखे हैं, गुब्बारा देखे हो, जब नया गुब्बारा रहता है तो उसमें क्या होता है, छोटा होता है, जब उसमें हम हवा भर के फिर हवा को बाहर निकाल देते हैं तो एक उसका थोड़ा सा आकार बड़ा हो जाता है, तो हम लोग फेफड़ा को अपना सिकुड़ा लिए हैं, पूरा सिकुड़ा के रखते हैं, कभी ऐसी नहीं किया है, मेहनत किए ही नहीं, आज वो लड़का आके ग्राउंड में दौड़ना स्टार्ट करेगा तो आधा राउंड के बाद में उसका फेफड़ा फूलने लगेगा, जिसके कारण क्या, उसका हफनी तेज हो जाएगा। तो उसका सबसे बेस्ट उपाय है आपको रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए और लॉन्ग रनिंग दौड़िए, ये दो काम कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे दौड़िए, लंबा समय तक दौड़िए, ठीक है, तो आपको सांस कम फूलेगा। यदि उससे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुबह में क्या करें, गर्म पानी हल्का कर लेंगे और उसमें शहद घोर के पिएंगे, यदि उससे भी हमको ठीक नहीं हो रही है, हम घर के आ रहे हैं उससे भी हमको ठीक नहीं हो रही है
तो हम रात को सोते समय दूध में एक आता है, क्या नाम है इसका, अश्वगंधा, उसका सेवन करें, ठीक है। वो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और क्या करता है, खोपनी जो होती है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो कुछ कुछ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो चीज प्रॉब्लम होगी उससे भी दूर होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप ग्राउंड में मेरे पास आ रहे हैं, चीनी का सेवन जितना हो सके कम कर दीजिए, मैदा 9 के बराबर खाइए, मैदा से बनी पदार्थ को ना खाइए, ठीक है। उसके बाद में जो भी मार्केट का फास्ट फूड है उसका बिल्कुल प्रतिबंध लगा दीजिए। गोलगप्पा है उसको हटा दीजिए, गोलगप्पा मत खाइए, ठीक है। जितने भी है कोल्ड ड्रिंक का सेवन है उसको 9 के बराबर कर दीजिए। चाय की मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिए या 9 पीजिए तो ही आपका बेटर है, क्योंकि चाय में आपको निकोटीन होती है जो आपके शरीर को लिया हानि करती है, ठीक है। उसके जगह पे आप कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं, वो भी दिन भर में एक ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ये नहीं कि वो भी हम आदि बन जाए, वैसे काम को नहीं करना है। और कोशिश कीजिए अपने घर में कि चोकर जो आती है, चोकर युक्त ही रोटी खाएं, वो डाइजेशन के लिए आपको सबसे बेस्ट होता है। हम बताया खाने का मतलब बहुत आदमी घर में आपका एजेड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बार बार उसका डाइजेशन सही नहीं होता है, उसको क्या करो कि हल्का गर्म पानी कर दो, चोकर को दिया तो उसका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। ध्यान में रखिए, तो चोकर क्या है, चोकर आपके अहम भूमिका शरीर को निभाती है और उसी चीज़ को आप लोग खा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दौड़ते हैं तो चावल नहीं खानी चाहिए, नहीं, चावल खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, उससे कफ पाया जाता है जो हम लोगों के शरीर असर के लिए हम लोगों को फायदेमंद है। यदि आप नहीं मात्रा उसको मिलेगा तो हमको पेन होगा, इसलिए हमको चावल लेनी है लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में। सुबह का खाना हम कैसे खाएंगे, पूरा भर पेट मीडियम में, उसके बाद में जब बीच में जो खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा बट कम करके, और रात का जो हम डाइट लेंगे वो क्या करेंगे, अल्प मात्रा, अल्प मतलब थोड़ा मात्रा में लेंगे, ठीक है। जब भी हम खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद में क्या करेंगे, जल देख डालेंगे, डालने के बाद में हम दूध पियेंगे, ठीक है। और दूध पीने के बाद में कभी भी टहलेंगे, और नहीं हमको टहलने के पार लगेगा तो हम वज्रासन विधि, ऐसे विधि में हम लोग बैठ जाएंगे थोड़ा सा। यदि ऐसे विधि में हम लोग बैठते हैं तो ये क्या करता है, पैर को ऐसे करता है, मोड़ देता है, और इस पे जो बात, और जो भी हम डाइजेशन, जो हम भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हम लोगों को अच्छी मात्रा में होता है। जब अच्छी मात्रा में हमको रात तक खाना पचेगा तो हम लोगों को सुबह मात्रा, सुबह में हम लोग क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे, फ्रेश हो जाएंगे तो एक्टिव रहेंगे। यदि हमारे पेट में गैस बनेगी, पेट में अनेक प्रकार की बीमारियां होगी तो हम लोग क्या होगा, रनिंग हम लोगों को बेस्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोगों को पेट में गैस है। जब गैस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और कि आप लोग लाइफ बनाने आए हैं तो लाइफ बनाने के बारे में सोचिए, बिगाड़ने के बारे में नहीं सोचिए, समझ में आ रहा है। यस सर। ऐसे कार्य को आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, वैसे कार्य को ना करें कि मतलब आपको प्रॉब्लम हो सके। सजा ब्रह्मचर्य का रूप धारण कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात, जो भी डाइजेशन, जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बासी हम ना खाएं, क्योंकि आजकल गर्मी का दिन है, बहुत जल्द आपका खाना क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ को हम लोग ना खाने की कोशिश करें। सुबह में ज़रूर हम लोग काला चना को अंकुरित करके खाएं। दूसरी नंबर बात, जो मूंग होता है उसको अंकुरित करके खाएं। दो चार उसमें क्या करेंगे, हम किशमिश डाल लेंगे, दो चार बादाम डाल लेंगे, ठीक है, मूंगफली और पिस्ता बादाम दो एक दो डाल लेंगे, छिलका हो पिसा के पिस्ता बादाम को खाएंगे, ठीक है। यदि आप कितना सेवन कर रहे हैं डाइट का तो आपका रनिंग बेस्ट दे पाएंगे। आप एक सोयाबीन पी जाता है, देखा है ना, उसको भी खाएं। तो कुछ कुछ डाइट पर भी ध्यान दें, ऐसा नहीं कि केवल हम फिजिकल करके हम बेस्ट दे पाएंगे, आपका डाइट भी अच्छा है होना चाहिए उसके अनुसार, क्योंकि आप जिसमें मेहनत कीजिएगा वैसे डाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर सब ठीक है सर।